बिहार में 11 मार्च को लोकसभा की एक और विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच अब जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और बागी नेता शरद यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने नीतीश सरकार को गरीब विरोधी बताया। वहीं शरद के इस वार पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया है। जेडीयू के बागी नेता शरद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 11 मार्च को राज्य में अररिया संसदीय सीट और भभुआ एवं जहानाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इस बार का चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव में मिले जनाधार के साथ विश्वासघात करने वाले और जनता का प्रतिनिधित्व करने वालों के बीच होगा। जनादेश का अपमान करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। जिन्होंने जनता से झूठ बोला उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। वहीं उन्होंने नीतीश सरकार पर शराबबंदी के तहत गरीबों को जेल भेजने का आरोप भी लगाया है। शरद यादव ने कहा कि ये सरकार शराबबंदी का ढोंग करती है, इसके नाम पर गरीबों को जेल में डाला जाता है जबकि अमीरों को शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। वहीं उनके इस बयान से भड़के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर शरद यादव पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा कि राबड़ी देवी का नेतृत्व स्वीकार कर उन्हीं के स्तर के बेबुनियादी आरोप सरकार पर लगाते हुए खुद हास्यास्पद हो गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।